आपको मैं 6:15 बजे ले आऊँ, तो अब चलो आपके लिए एक सरप्राइज है। क्या है? चाय चू बनाने का होगा उनके। और यहाँ पे कुछ सीक्रेट सा और भी है। अब जो ये रोड आपको दिखाई दे रही है, ये जा रही है जोरावर फोर्ट पे, और वहाँ जाकर अभी नाइट शो है 8:00, तो वो नाइट शो हम देखने के लिए जा रहे हैं। और अचानक से इतना वेदर चेंज हो गया कि हमें जो इंडियन आर्मी म्यूज़ियम था उसके अंदर हम परेड देख रहे थे, परेड थोड़ी सी ख़त्म हुई, तुरंत हम परमिशन लेकर भागे कि हमें तो जैकेट चाहिए, और जैकेट लेकर अभी तुरंत आए हैं और पहनकर अब जोरावर फोर्ट जो है अब उसमें जा रहे हैं। उन्होंने सारी डिटेल बताई कि ये टिकट 1 वीक के लिए अलाउड है, और यहाँ पर एक म्यूज़ियम है इसके अंदर, और साउंड एंड लाइट शो है, वो चीज़ है, ये सब देखना है वहाँ पर। खाओ 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 ना, मेरे मुंह में तो आएगा नहीं है। कैसा है अब बताओ, टेस्ट कैसा है? यहाँ जैसा ही है? नहीं है। ओके ओके। और यहाँ पर आ गए हम जोरावर फोर्ट, इसलिए यहीं पे है वो जो कुछ क्या था सुनी, वो नाइट शो यहाँ पे है जोरावर फोर्ट। सुनी चलो तुम्हारा फोटो लेता हूँ। हाँ सॉरी, वो पीछे जाओ, और बस बस ठीक है, फिर आएगा नहीं। चलो ले लिया मैंने। हाँ और यहाँ पे देखो फोर्ट, अच्छा ये फोर्ट है एक्चुअल में, एक्चुअल वाला फोर्ट है सुनी, क्योंकि हमेशा ना सारे फोर्ट के साइड में ऐसे नदियां बना देते थे और इनमें पानी भर के मगरमच्छ छोड़ दिए जाते थे, जिससे कि कोई हमला ना करे। तो ये सही में छोटा मोटा फोर्ट है, लेकिन अच्छा है। एंट्री करा दो उस तरफ भी, यहाँ में एंट्री करनी है। और ये मैंने अभी देखा बाहर मशाले रहे, यहाँ पे भी मशाले लगी हैं। हाँ लो, पुराना लुक जो है वो सारा है, देखो हर जगह मशाले लगी हुए हैं। कहाँ पे? हाँ ये तोपखाना है, हनी पोस्ट। और ये जो बग्गियाँ होती थी ना पहले सोनी, देखो जो बग्गियाँ होती थी वो है ये, इनके पीछे ना घोड़े पर मतलब घोड़े लग जाते थे, और राजा महाराजा इस पर बैठ के चलते थे। ये सारी लालटेन, लेकिन जलती है सुनी, इसके अंदर बल्ब लगाए हुए हैं, रात को जलेंगे सब। हाँ ये जोरावर साहब, ये 1786 से 1841, कितने साल जिए भाई? करीबन 70-75 साल के आसपास। गुड, वाह। अच्छा सब कुछ अच्छा, ये होते थे भाले, भाई सब लोहे के है। और ये है जोरावर फोर्ट, बेसिकली किस तरह का है ये देख लीजिए, ये ऐसा था, और इसमें मेन रोड उस तरफ से अंदर है, इस तरफ से ये सब ठीक है। अच्छा हाँ सोनी, दूसरा देखता है। एक और यहाँ सैनिक साहब खड़े हुए, और ये सब ड्रेसेस हैं जो पहनते थे उस टाइम। ये बर्तन वर्तन भी आसानी सारे यहाँ क्या क्या यूज़ करते थे इस तरह भी। हाँ हाँ इधर देखो, वाह देखो कितना खूबसूरत है, ब्यूटीफुल यार, ये तो बहुत सुंदर है भाई, बहुत सुंदर है। ये ज्वेलरी और जो जिनकी पूजा होती थी। सारे भगवान जो बर्तन तालसी, पता नहीं कौन है ये थे जोरावर साहब। ये तलवारें हैं, ये भी तलवार, और ये फ्लैग, यहाँ का इनका फ्लैग होना है, खुद का फ्लैग होगा। और ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, ये टाइम वॉच, ये सारे म्यूजिक। अच्छा ओवरऑल के भाले, तलवार कितनी बड़ी थी, इतनी बड़ी तलवार उठा लेते लोग? ये भी, ये तो वाकई में हैवी भी है। हाँ बहुत हैवी है, बड़ी है बहुत। हाँ आओ सुनो,
सोनी 8 बजे का शो है और कितने बजे आ गई? 6 बजे, 6:15। एक्साइटमेंट की, एक्साइटमेंट का लेवल देखो मैडम का। हमारे पास बस आज का टाइम है और जगह तो संगम भी नहीं गए और एक जगह और थी मैग्नेटिक हिल, तो चलो कल जाएंगे मैग्नेटिक हिल, तो सुबह हो के आएंगे हम जल्दी से। मैग्नेटिक हिल रह गया हमारा, तो हमारा ये टारगेट है कि कल सुबह अराउंड 5 के आसपास चलेंगे और कितने बजे सोनी? आधे घंटे में मैग्नेटिक हिल पहुंच जाएंगे। रूट हमारा वही रहेगा मैग्नेटिक हिल वाला ही, तो अप्रॉक्सीमेटली हाँ आप 15-20 मिनट में वहाँ का वीडियो बना के जल्दी से निकल लेंगे, क्योंकि हमें कैसे भी करके श्रीनगर 3 बजे तक 2 बजे तक पहुँचना है, हमारा ये टारगेट है। आपको मैं 6:15 बजे ले आया हूँ, तो अब चलो आपके लिए एक सरप्राइज है। क्या? यहाँ पे कैफे है, जोरावर कैफे है भाई। ऐसे डाउन से ऊपर से स्टेयर से इधर देखते हैं, चलो घूम के आते हैं फिर। हाँ, माँ काली भी है और भगवान भोलेनाथ भी हैं, दोनों हैं। जोरावर फोर्ट है, उसके अंदर जोरावर साहब का थाना है पूरा का पूरा, तो वो हिंदू देवी देवता यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे जो अभी लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है उसमें उर्दू में लिखा हुआ है, जो हमारी समझ से परे। ये शिव भगवान जी, ये माँ काली, यहाँ पे बुक्स रखे हैं, यहाँ पे भी लद्दाख वाले भगवान जी उनका बना हुआ है। ये ऐसा है, थोड़ी सी गुफा टाइप नीचे। इत्थे कित्थे अंडरग्राउंड है क्या कुछ? नहीं, गहरा ही है थोड़ा। बस आ जाओ, यहाँ पे सब्जियाँ भी उगा रखी हैं, देखो कोई सी गोभी है क्या, तो पत्ता गोभी और यहाँ पे ऑनियन। भाई जोरावर फोर्ट सारा आधा मतलब छत पे कच्चा ही है, वही कोयला सब पड़ा हुआ जो भी था। और ये जो राजा महाराजा जब लड़ते थे उनके सैनिक, तो यहाँ पे बैठ के ऐसे एक इधर बैठ जाता था, इधर को देखता था, एक इधर को और यहाँ से तीर कमान फेंकते थे या बंदूक चलाते थे, तो इनका एक तरीका ये था। और देखो ये साथ में ये एकदम चूल्हे हारी से किस, हाँ ये शायद चाय चू बनाने का होगा उनके। और एक ये छोटा सा कमरा, और यहाँ लिखा भी हुआ है वार रूम युद्ध कक्ष। कहाँ है युद्ध कक्ष? शेरा। अच्छा ये देखो मसाले वगैरह जो है ना यहाँ पे रखी हुई है, ये सब ऐसी लगी हुई थी हर जगह। और ये देखो युद्ध कक्ष, पूरा मैप वैप बना हुआ है कहाँ से क्या क्या सब, मतलब यहाँ पे सब प्लानिंग होती होगी ना सोनी? हाँ, और यहाँ पे राजा गद्दी पे बैठकर इस टेबल पे अपनी सारी चीजें बताता होगा। हाँ ऐसा ही होता होगा। और ये इनका फ्लैग है नीचे भी था। हाँ ये फ्लैग है, सिंबल है। हाँ ये अच्छा है सोनी, वैसे कुछ भी को छोटा सा ही है, लेकिन मिट्टी का जैसा था वैसा का ऐसा। हाँ ऐसा ही है, बस यही की मुझे लग रहा है मिट्टी लगा के इसको थोड़ा सा मेंटेन कर रखा है। कुछ भी नहीं है यहाँ, दिखाई दे रहा है उधर, कह रहा है यहाँ ये तख्ता सा वो रहा नहीं, कह रहा लाइट खोलो गेट को जब दिखना ही बंद हो गया। यहाँ कुछ खाली सा है मतलब गहरा है। हाँ हो सकता है बिल्कुल। और ये अंडरग्राउंड होगा। हाँ ये सब युद्ध के ही सामान होते होंगे, हथियार वगैरह। गाय नहीं पालते होंगे, हॉर्स। हाँ घोड़े देसी भाषा में, तो ये रहे ना अस्तबल का ही देखिए रहे सारे नीचे। अच्छा अस्तबल है जब चारा वारा भी सब कुछ है। सारे घोड़े हैं, घोड़े भी हैं, घोड़े भी सबके नाम भी लिखे हुए हैं वहाँ पे। अच्छा परफेक्ट,
वैसे इनको मेंटेन कर रहे हैं अभी तक भी? उनके वंश चल रहे होंगे ना ये, पता नहीं ऐसा तो नहीं होगा, कुछ ना देख रहे, कहता तो मैं ना देखता हूँ। वो लगाया देखो उधर दूर से कहाँ अब लग गया वो उसमें, ये वो लगाए सारे सारे सब ने देखा था। चलो मैं ही दिखा सकूँ सबको। भाई कुछ भी दिख जाए वहीं घुस जाना है सोनिया। आओ देखाओ, और इस तरफ जैसे घोड़ों के रहने का ये भी है और इस तरफ भी अंदर है रहने का पूरा। ये देखो ये रहने का है कि इनके खाने पीने का आई डोंट नो, पर ये है यहाँ पे। घोड़े यहाँ भी रुकते हैं देखो सारा लंबा, और इस तरफ से इनके नाम वगैरह लेके ना सब कुछ बनाया हुआ, जैसे चेतक अप्पी चामो संबे भूप तोतकी सुल्तान बादल डोली, ऐसा सही है सबके सबके नाम लिखे हो सुनी इस तरफ ये। हाँ, आओ चलो डोली बादल सुल्तान। ये आ गया हम ऊपर, हिंदुस्तान का झंडा हमेशा ऊंचा रहे। हाँ, और ये यहाँ पे तोप वगैरह, और ये ऊपर से ऊपर भी तो जा सकते थे यहाँ से देखने के लिए कहाँ चल रहा सैनिक, कहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक तीर चलाना है भाई। वैसे अधिकतर इस तरफ से आते होंगे, सारा खाली है, और पहले ही इधर भी खाली होगा सारा यार, अभी तो बन गया पहाड़ी पहाड़ होंगे। हाँ नज़र वज़र रखते होंगे ना यहाँ से। चलो क्या करना है, इसको खोलते हुए तो मेरा दिल धड़क रहा है। खोलूं खोलूं? अच्छा अच्छा, खोलने से पहले मैं बता दूं, हम लोगों ने यहाँ पे जहाँ आए थे अब खाना खा लिया है, क्योंकि भाई रात को 8 बजे के आसपास तो शो शुरू होगा। जोरावर कैफे, हाँ ये जोरावर कैफे है, और खोलूं? अच्छा बिल बिल तुम पे करोगे? नहीं मुझे तो शर्म लगे। अच्छा लो, अबे कहाँ गया बिल ही नहीं आया तो? अच्छा भाई ये आया है टोटल 570 सोनी, 570 लो जी पे करो जी। जी नहीं भाई देखो आज का जो पूरा खाना था वो सोने के नाम से था। आप भैया बिल ले लो जल्दी से, ऐसा ना मैडम का मूड बदल जाए। हाँ दिल पे पत्थर लग रहे होंगे हैं। पता नहीं कुछ यहाँ पे भारी भारी सा आप देख सकते हैं सामने लिखा है वेलकम टू जोरावर फोर्ट, और एक बड़ा प्यारा सा म्यूजिक चला है इस तरफ। वैसे बहुत अंधेरा हो चुका लेकिन ये सॉरी लेकिन ये आईफोन का कमाल ही है कि ये बिल्कुल इतना शार्प आपको दिखाई दे रहा है। तो बस रात को आज हम थोड़ा सा 8 बजे से ही शो शुरू है, तो अब अप्रॉक्सीमेटली क्या हो चुके हैं 8:05 बचे हुए हैं, तो ये शो शुरू हो जाएगा, उसके बाद में बस आज रात का कोटा ख़त्म, और फिर कल से एक नए दिन की शुरुआत करेंगे जहां हम आपको ले टू श्रीनगर रूट का एक्सप्लोर करेंगे।